ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ। JJP ਦੇ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ JJP ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। और हरियाणा की जनता ने जो जनादेश दिया है उसको मद्देनजर रखते हुए, वो जनादेश का स्वीकार करते हुए दोनों पार्टियों के नेता ने ये तय किया है कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी और JJP श्री दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी दोनों मिलकर सरकार बनाए। ये सरकार में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के होंगे और उप मुख्यमंत्री JJP पक्ष के होंगे और कई सारे निर्दलीय विधायकों ने भी एक गठबंधन को अपना समर्थन दिया है। कल भारतीय जनता पार्टी के विधिवत नेता चुनने के बाद सरकार बनाने की आगे की प्रक्रिया तुरंत ही शुरू कर दी जाएगी और अगले 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी और JJP की सरकार हरियाणा के विकास को मोदी जी के नेतृत्व में आगे ले जाएगी। हरियाणा की जनता ने जो जनादेश दिया है उसके स्पिरिट को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी और JJP दोनों के नेताओं ने ये निर्णय लिया है और आज दोनों नेता भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत दोनों को बधाई भी देता हूँ और आने वाले सरकार के अच्छे कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं भी देता हूँ। मित्रों, जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आप लोगों को बताया है कि हरियाणा में जो इस बार 2019 विधानसभा हरियाणा का जो मैंडेट मिला, जो जनादेश मिला, उसका हम एक प्रकार से स्वीकार करते हैं। और चूंकि उस मैंडेट में बहुमत इस नाते से भारतीय जनता पार्टी पीछे रही, 40 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं और एक स्थायी सरकार देने के लिए निश्चित रूप से हम लोगों ने तय किया है कि आपस में मिलकर के गठबंधन करके सरकार को चलाया जाए ताकि एक स्थायित्व सरकार को मिले। और स्वाभाविक रूप से जैसा हरियाणा का इतिहास है, हम लोग पहले भी एक दूसरे का समर्थन करते आए हैं, गठबंधन भी हम लोगों ने किए हैं, समर्थन भी किए हैं, सरकार चलाई है, तो स्वाभाविक रूप से इस सरकार को चलाने के लिए हम लोगों ने इस गठबंधन को आगे रखा है और कल जो है इसकी सारी जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। चंडीगढ़ में गवर्नर साहब से कलम मिलेंगे और उसके बाद एक सरकार बनाने का जो बाकी प्रक्रिया है उसको कल वहां पर ही तय किया जाएगा। उन लोगों ने, कई लोगों ने समर्थन दिया है, इसकी चर्चा भी कल जो है सरकार ने समर्थन दिया। कितने काफी लोगों ने दिया, कितने, 8 में से कितने? आप क्या कहेंगे, आपकी सीटों के साथ डिप्टी सीएम का पद आपको मिला है, किशन भाई आप क्या कहते हैं? एक दुष्यंत जी पहले अमित शाह जी का, नड्डा जी का धन्यवाद करूंगा कि प्रदेश को एक स्टेबल गवर्नमेंट मिले उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का साथ आना जरूरी था। हमारी नेशनल एग्जीक्यूटिव ने, लेजिस्लेटिव बोर्ड ने, सब ने मिलकर ये निर्णय किया कि प्रदेश के हित के लिए आज स्टेबिलिटी की बहुत ज़रूरत है। और मैं ये मानता हूँ, जनसंघ के समय से चौधरी देवीलाल जी जब एक्टिव पॉलिटिक्स में थे या उसके बाद आज तक, हम अलग अलग समय मिलकर साथ चले और आज भी प्रदेश को ज़रूरत है कि प्रदेश के अंदर परिवर्तन और प्रदेश को प्रोग्रेसिव तौर पर आगे ले जाने के लिए हमें मिलकर यहीं आगे बढ़ना पड़ेगा। निर्णय जो भी है ये तो आगे महामहिम राज्यपाल से मिलकर ही लिए जाएंगे।
और आपको विश्वास दिला देते हैं कि हरियाणा प्रगति के पथ पर।